हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मित्रों नमस्कार। आज मैं देश के सामने जो गंभीर कुछ प्रश्न हैं, जिनके बारे में देश जानकारी लेना चाहता है, उन प्रश्नों को आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। अभी कोविड के संक्रमण काल में और चाइना सिचुएशन पर कई किस्म के प्रश्न आए और कई किस्म की चर्चाएं हुई हैं। सबसे पहले तो मैं सोनिया जी को यह कहना चाहता हूं कि अंडर द गार्ब ऑफ चाइनीज क्राइसिस एंड अबाउट द कोविड 19 वन शुड नॉट शाय टू आंसर द क्वेश्चंस विच द नेशन वांट्स टू नो। ये कोविड के कारण या चाइना की जो सिचुएशन है उसके कारण मूल प्रश्नों से बचने का प्रयास सोनिया जी न करें, क्योंकि भारत की बहादुर फौज सक्षम है देश की रक्षा करने में, देश की सरहदों की रक्षा करने में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित भी है, मजबूत भी है, और देश के जांबाज हमारे आर्मी के लोग देश की रक्षा करने में सक्षम है, उसकी संप्रभुता से लेकर और बॉर्डर्स की रक्षा करने में अवर आर्मी पीपल आर केपेबल। द सेम वे एज फार एज कोविड 19 इज कंसर्न, अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया हैज फॉट कोविड 19 इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड वी कैन से दैट द कोरोना वॉरियर्स, द डॉक्टर्स, द पैरामेडिक्स, द स्टाफ नर्स, द people involved in sanitation and also the police officials have played a tremendous good role which should be applauded by one and all. To isliye Sonia ji ko inki chinta karne ki zarurat nahi hai, inki pradhanmantri ji ke netritv mein desh in sare vishayon ke bare mein surakshit bhi hai aur saksham bhi hai ladne ke liye. Lekin hum Gandhi parivar se unke kiye gaye karmon ke bare mein, the sins, the deeds which they have done during the governance, the people of India, 1.3 billion people of India want to know about it. 130 crore ka desh janna chahta hai ki aapne satta mein rehte hue kya kya kaam kiya aur kis tarike se aapne desh ke vishwas ke sath vishwasghat kiya hai, uski jankari dena chahta hai. Maine kuch din pehle, do din pehle ट्वीट करके राहुल गांधी फाउंडेशन के विषय पर प्रश्न उठाए थे, आरजीएफ पर मैंने प्रश्न उठाए थे। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्प्टिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्प्टिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के हित अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए और उन फंड्स को नैतिकता के आधार पर जो नहीं लेना चाहिए था, जो नियमों के अनुसार नहीं लेना चाहिए था, वह लेने का प्रयास हुआ है। और इस परिवार का हम सब जानते हैं एक ही तरीका है, authority without responsibility. Speak whatever you like about anybody, whenever and wherever you wish, and you are not there to answer the questions which the nation wants to know. Here I am asking from Sonia Gandhi ji, 10 questions today, 10 questions I am asking, and the nation wants to know, the country wants to know, the country fellowman wants to know that what is the answer which he can give. First question is that countries like China has donated by through Chinese embassy to Rajiv Gandhi Foundation from 2005 to 2009. Aaj subah mujhe bataya gaya ki ek hi baar liya hai. It is a continuous flow of money from Rajiv Gandhi Foundation, from Communist Party of China, from the Chinese government through Chinese embassy. Not only this, the tax havens of Luxembourg
डोनेटेड राजीव गांधी फाउंडेशन एवरी ईयर बिटवीन 2006 टू 2009. अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड लक्समबर्ग द टैक्स हेवंस, जहां हवाला में हवाला होता है, ऐसी जगह से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिलना यह किस बात को इंगित करता है. द सेम वे एनजीओज एंड कंपनीज हु हैड डीप कमर्शियल इंटरेस्ट दे हैव डोनेटेड मनी टू राजीव गांधी फाउंडेशन. देश जानना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ शेम, इट्स अ सैक्रिफाइस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट बाय एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम फॉरेन पावर्स इन पर्सनल ट्रस्ट. दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, दैट इट इज अ शेम सैक्रिफाइसिंग द नेशनल इंटरेस्ट बाय एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम फॉरेन पावर्स इन पर्सनल ट्रस्ट. एंड द कंट्री वॉन्ट्स टू नो वॉट कंस्पायर्ड बिटवीन राजीव गांधी फाउंडेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ चाइनीज एम्बेसी, गवर्नमेंट ऑफ चाइना. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू रेज. द सेकेंड क्वेश्चन इज कि एक बहुत जल्दी थी, there was tremendous hurry to enter into the East Asia FTA, जिसको हमने बाद में RCEP के नाम से जाना, Regional Comprehensive Economic Partnership. What was the haste? What made Kamal Nath to commit that yes, we will be part of this East Asia FTA, in which China was also there? यह प्रश्न देश जानना चाहता है और यहीं पर नहीं रुकता है. Parallelly, जब हमने अपने आप को ईस्ट एशिया एफटीए के साथ इंगेज करना शुरू किया, जिसको 2019 में आरसेप के नाम पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 देश एक तरफ रहने के बावजूद 16वां देश भारत ने अपने आप को अलग किया, यह कहते हुए कि दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेबरर्स, and this is not in the interest of the agriculture. इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने इससे अपने आप को अलग किया. लेकिन जब ये इसमें हम इंगेज हो रहे थे, ईस्ट एशिया जो आरसेप के नाम से जाना जाता है, ईस्ट एशिया एफटीए, तो पैरेलली भारत का चाइना के साथ डेफिसिट ट्रेड 2003 में, जो 2004 में 1.1 बिलियन था, वह बढ़कर के 2013-14 में 36.2 बिलियन हो गया. एंड दिस वॉज अ डीप क्राइसिस एंड वीकनिंग ऑफ द इंडियन इकॉनमी डन ड्यूरिंग द यूपीए रेजीम. नाउ दिस सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द नीड टू बी इन हरी टू कम टू इंगेज इन आरसेप, नंबर वन. नंबर टू द क्वेश्चन इज दैट पैरेलली हाउ द चाइनाज द इंडियाज ट्रेड डेफिसिट गेन्ड एंड फ्रॉम 1.1 बिलियन dollars it reached to 36.2 billion dollars US dollars. This is what we have to understand. Kya ye quid pro quo to nahi tha, ye kahin Chinese embassy ke dwara Rajiv Gandhi Foundation ko paise ke karan ye quid pro quo to nahi tha, ye Bharat ki janta janna chahti hai. The third question which I would like to say, what is the exact relationship between Indian National Congress and the Communist Party of China? What is the MOU? What is the unsigned MOU and what is the signed MOU? What is the tacit understanding between Congress Party and the Communist Party of China? The country wants to know. And country wants to know the details of the MOU, signed and unsigned. The tacit understanding which has taken place between the, which takes interest, which takes care of the interest of Chinese or China government through the Indian National Congress. My fourth question is that the Rajiv Gandhi Foundation, RGF, worked in close association with China Association for Internationally Friendly Contact. Rajiv Gandhi Foundation, RGF, ne bahut closely, bahut nazdiki se kaam kiya Chinese Association for Internationally Friendly Contact. Aur ye jo संगठन है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट, दिस इज अ व्हीकल यूज बाय सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना. दिस इज अ व्हीकल यूज फॉर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना, विच द पर्पज ऑफ दिस कमीशन इज टू इन्फिल्ट्रेट, टू
इन्फ्लुएंस द वॉइसेस ऑफ द लीडर्स ऑफ द अदर कंट्रीज. नाउ आई वुड लाइक टू नो व्हाट वाज द रोल ऑफ राजीव गांधी फाउंडेशन विथ द फ्रेंडली कॉन्टैक्ट ऑफ एसोसिएशन चाइना एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनली फ्रेंडली and what was the relationship between central ministry commission military commission of china which was trying to infiltrate and influence the policy makers of our country and trying to influence their voices iske bare mein hum janna chahte hain aur iske sath sath hum ye bhi janna chahte hain ki how much influence and infiltration was done by chinese government through this Rajiv Gandhi Foundation. So this is my fourth question. Now I come to the fifth question. I have asked four questions about the involvement of Chinese government with Rajiv Gandhi Foundation. Now the fifth question is related to the PM National Relief Fund. The country would like to know ki Pradhan Mantri National Relief Fund jo logon ki seva karne ke liye hai, जो लोगों के हार्ड अर्न मनी है, जो लोगों के राहत पहुंचाने के लिए है, जो प्रधानमंत्री के माध्यम से जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, उसमें से 2005 से लेकर 2008 तक राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? Why the money was diverted from PM National Relief Fund from 2005 to 2008 to राजीव गांधी फाउंडेशन? This is a question which the country and my country fellow men wants to know. हमारे देशभक्त जानना चाहते हैं, हमारे देश की जनता जिन्होंने पूरी ताकत के साथ प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को मजबूती प्रदान की, हार्ड अर्न मनी दिया, वह उसका पैसा को राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों डाइवर्ट किया गया? I would also like to know that UPA government में it was forced for multiple ministries like MHA, MHRD, Health Ministry, PSUs like SAIL, like GAIL, like SBI, ONGC, इनको RGF को फंड रिलीज करने के लिए फोर्स किया गया. मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोगों का हार्ड अर्न मनी, my fifth question is the hard earned money of the people, why it was transferred and diverted to Rajiv Gandhi Foundation, which is a personal trust? What intention was there? इसमें इंटेंट क्या था यह देश की जनता जानना चाहती. कारण क्या था, किस लिए दिया गया? यह सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, यह राजीव गांधी फाउंडेशन की सेवा के लिए लगी हुई थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी हुई थी? सोनिया गांधी जी के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए लगी थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी थी? यह विषय हमको जानने की जरूरत है और यह देश भी जानना चाहता है. राजीव गांधी फाउंडेशन टुक हेफ्टी डोनेशंस from major Indian corporates और लोगों के लिए गरीबी का नारा लगाते रहे. The rhetoric was about poor people, गरीबी के बारे में बोलते रहे, लेकिन corporates के साथ बड़े donations लिए गए और बड़े donations के जगह पर hefty contracts दिए गए और यह था quid pro quo. इसको कहते हैं quid pro quo. एक तरफ से पैसे लिए गए और उसी माध्यम से उनके इन्फ्लुएंस से हेफ्टी डोनेशंस भी लिए गए और हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए. ये मेरा छठा प्रश्न है. मेरा सातवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का ऑडिटर कौन है? हु इज द ऑडिटर ऑफ पीएम नेशनल रिलीफ फंड? द ऑडिटर वॉज ठाकुर वैद्यनाथन एंड अय्यर कंपनी. दिस वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर रामेश्वर ठाकुर who happened to be the minister of finance, state minister, union state minister of finance. Ab aap dekhiye national interest kaise compromise hote hain. And he was MP of Rajya Sabha for 2 terms and he was governor of 4 states. 4 states ka wo governor tha. To aise Rameshwar Thakur was the, his company was the auditor of PM National Relief Fund for decades together, for decades together. कंट्री वॉन्ट्स टू नो कि ऐसे लोगों को इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट देकर के क्या सरकार करना चाह रही थी. और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में एक ट्रस्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है.
इसलिए मैंने कल आरोप लगाया था कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड का ट्रस्टी सोनिया गांधी, पीएम राजीव गांधी फाउंडेशन का की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, खुद पैसा निकालो और खुद अपने ट्रस्ट में डालो। नेशन वॉन्ट्स टू नो, कंट्री वॉन्ट्स टू नो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के लोग जानना चाहते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को आज 2019 में 100 करोड़ का कॉर्पस एज ऑन इवेल्युएटेड ऑन 2019। मैं जानना चाहता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जवाहर भवन के नाम पर वह जमीन करोड़ों की परपेचुअल लीज पर कैसे दी गई। Why was it given and why was it selected only to be given at such a costly place on a perpetual lease? यह भी देश जानना चाहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 100 करोड़ रुपए इनको 1991 के बजट में दिया। उसके बाद कंटिन्यूअस मिनिस्ट्रीज ने, वेरियस मिनिस्ट्रीज ने इनकी फंडिंग की, PSUs ने फंडिंग की, बट नाउ the people of India wants to know that why the accounts of Rajiv Gandhi Foundation refused for the CAG auditing. Kyun auditing nahi hui? Why it was refused? Why RTI was not applicable in Rajiv Gandhi Foundation? Ye inke adhinayakvad ka, ye inka ahankar ka suchak hai. ये कुछ भी कर गुजरेंगे, नियम को धत्ता दिखाएंगे, कानून को धत्ता दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मर्जी होगी वो करेंगे। और आज हम ये जानते हैं कि यह न इसकी सीएजी ऑडिटिंग है और न ही ये आरटीआई के अंदर आता है। ये क्या कारण है, कंट्री वॉन्ट्स टू नो, ये मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहूंगा कि व्हाट इज सोनिया गांधी टू हाइड, नंबर वन, एंड नंबर टू, मनमोहन सिंह जी, what have you to say on this monumental loot and the organized plunder of public money? What has Manmohan Singh to say about this monumental loot and about the plunder of the public money? Now my ninth question is, Rajiv Gandhi Foundation not only took money and there were scams, but it also had gave donations, dodgy donations. Paisa to liya hi liya, देने का भी काम किया, और वो देने का काम डॉजी डिविजन, डॉजी तरीके से किया गया। आई वुड लाइक टू नो कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने इन डोनेट ने कैसे डोनेट किया राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को, जो कंट्रोल्ड होती है बाय फैमिली, परिवार के द्वारा चलती है, ऑन बाय क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन नोन एज वर्ल्ड विजन। अब आप देखिए, पब्लिक मनी को ट्रस्ट में लाओ, ट्रस्ट से प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर करो, और प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर करके उसको अपने निजी स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करो, यह काम पकड़ा। और ऑडिट मत कराओ, आरटीआई ना पूछने दो, यह 21वीं शताब्दी के भारत में चल रहा था, यह इस तरीके की गतिविधि चलती रही। नाउ माय टेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, आपने बड़ा हल्ला किया, बहुत हल्ला किया मोहिल चौकसी के बारे में, गले फाड़ फाड़ कर मोहिल चौकसी की बात की आपने, जोर जोर से बात की। और ये जो हमारे शहंशाह है, शाही शहंशाह, इन्होंने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शब्दों की भी गरिमा नहीं रखी। मैंने उस दिन भी कहा था कि शब्दों के चयन से परिवार के संस्कार का पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट द ट्रेडिशन, अबाउट द फैमिली ट्रेडिशन, but which type of language they used for honorable prime minister we all know, kaise shabd istemal kiye. lekin main yahan, mera antim prashn, 10th prashn hai ki mohil choksi se aapne rajiv gandhi foundation mein paisa kyon liya, aur aapne mohil choksi ko loan kyon diya, aur ye sab karne ke baad badnaam karne ke liye hamare yashasvi pradhanmantri par aarop lagate ho. देश जानना चाहता है कि मोहिल चौकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या संबंध है, और आपने उसको लोन देने में किस किस प्रकार से मदद की है, यह देश जानना चाहता है। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये राजनीति लंबे समय तक
आरोपित करके जिस तरीके से इन्होंने की है, भारत की जनता जाग चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति बदल चुकी है। कांग्रेस एंड करप्शन आर सिनोनिम टू ईच अदर, वह जा चुका है। आज सेवा भाव से भारत का विकास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेकर के चलने की बात है। और मैं रीट्रेट करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दृष्टि से, हैसियत से, कि हमारी पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सारे कार्यक्रमों से पूरी ताकत से जनता तक पहुंचाएगी और विकास में अपना पूरा योगदान करेगी और भारत की तस्वीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और साथ ही साथ ये दोहरे चेहरे रखने वाले राजनेताओं को भी पर्दाफाश करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम इस बात को आपके सामने कहना चाहते हैं। आपने मेरी बात सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश से जो उठाए मैंने प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब देने की हिम्मत करेगी। मैं चाहूंगा कि वह जरूर करें प्रजातंत्र के अंदर। धन्यवाद मित्रों।